सलवात मिल के बाबा से बोला, आले थार के इस्तकबाल के लिए, बिलखसूस शहजादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की कुव्वत सर्व की दिए, सलवात मिल के बावाज़े बुलंद पड़ी सारा। खुशनुदिए सब जमा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस अज़ा की मकबूलियत के लिए, बानियान की मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके और अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इलामा नासिर अब्बास सब दिगर उलमाओं ज़ाकरीन शहदा मरहूमीन सबके बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज से पढ़ दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आले थार का अजीम और करीम अल्लाह अब तमाम हजरात को इस मजलिस एजाम हाजरी का अजर अजीम अता फरमाए, बानियान के रिज़्क इज्जत बख्त में इजाफा फरमाए, खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज्यारत से महरूम, खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज़ अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़ दीजिए सारे। अजीजा ने ग्रामी कादर मवालिया ने हैदर कर्रार मातम दराने सुल्तान ननवा और हुसैन बादशाह के इज्जतदार मेहमान आने करा, चूंकि मजलिस अदा मंसूब है शहजादी कौनैन के नाम के साथ और बड़ा मुख्तसर वक्त, उसी मुख्तसर वक्त में मैं जनाब सैयदा के इस्म के हरूफ पढ़ना चाहता हूँ। यकीनन तवज्जो आपकी जब से मजलिस शुरू है तब से है, बड़ा उमदा आप समाअत फरमा रहे हैं। पंजतन की लड़ी में वाहिद नाम जनाब सैयदा का है कि जिसमें अल्लाह ने पांच हरूफ रखे। तवज्जो है सरकार पीछे, बाकी चार नामों में जाहिरन चार हर्फ हैं, तीन हर्फ हैं। मतलब जनाबे रसूल अल्लाह के नाम में मोहम्मद में जाहिरन चार हर्फ, जनाबे अमीर के नाम में जाहिरन तीन हर्फ, जनाबे हसन के नाम में जाहिरन तीन हर्फ हैं, जनाबे हुसैन के नाम में जाहिरन चार हर्फ। लेकिन ये जो अल्लाह वाला अलिफ है ये मोहम्मद की मीम है, मीम दाल में नजर नहीं आता। अली की ऐन लाम ये में नजर नहीं आता, हसन की हे सीन नून में नजर नहीं आता, हुसैन की हे सीन ये नून में नजर नहीं आता। अल्लाह के नाम का अलिफ जिसके नाम में छुपा हो उसे फातिमा जहरा कहते हैं। आले मोहम्मद सलामत, थोड़ा सा मेरे साथ जाइए, मैं एक एक हर्फ पढ़ के तो आपसे जाता तो जो है कि नहीं आप। अब ये पांच जाहिरन पांच, यानी अल्लाह ने सैयदा के नाम में पांच हरूफ रख के बताया कि पंजतन के मजमुए को फातिमा कहते। सर्दी ज्यादा तो नहीं है, अल्लाह बेश तवज्जो है कि नहीं आप हजरात। अच्छा ये जो बीबी का नाम है, ये बच्चे बैठे हैं, लुगवी मानी क्या है? लोग लिखते हैं जहन्नुम की आग से छुड़ाने वाले। रजा बादशाह से पूछा गया मौला फातिमा के माने असल में है क्या,
तेरे मेरे आठवें सुल्तान ने फरमाया जो अपने मानने वालों को जहन्नम की आग से बचा चुकी हो। नहीं तवज्जो ही कोई नहीं की मैंने क्या कहा। आले मोहम्मद का सदका, आधे बंदे परेशान पीछे बैठे हुए। मैं तो बादशाह रजा का फरमान पढ़ा, मैंने किसी लुगत का तर्जमा नहीं। छुड़ाएगी नहीं, छुड़ा चुकी हो। इसीलिए शहीद मोहसिन नकवी ने कहा था जो फातिमा से रखे मवद्दत उसे न दोजख जला सकेगा, जो इसके घर को जलाने आया वो कैसे जन्नत में जा सके। जो पीछे बैठे हो मेरे साथ मिलना, आगे वाले मेरे साथ मिलना। जियो सलामत रहो। तवज्जो है कि नहीं आप? इसलिए हमारा जहन्नम से ताल्लुक ही कोई नहीं, क्योंकि जिसका ताल्लुक जनाबे सैयदा के घर की दहलीज से हो जाए उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। जहन्नम उनके लिए है जिनसे सैयदा नाराज। तवज्जो है कि नहीं आप? लोग भी मानी समझ में आ गए। बीबी के नाम के अदद हैं 9, 9 कामिल और अकमल अदद, यानी 1 से गिनती शुरू तो 9 पे खत्म हो जाती, फिर दोबारा 1 शुरू हो जाता, आगे सिफर लगे, फिर 1 लगे, फिर 2 लगे। यानी तखलीक मोहम्मद मुस्तफा से शुरू होती है, फातिमा जहरा पे खत्म हो जाती है। अब नाम में 5 हरूफ, ठीक है जी। अब एक इल्म है मजहब अहले बैत में, उसे कहते हैं इल्मुल अस्मा, नामों का इल्म, यानी किसी का नाम रखने के पीछे सबब क्या। इसे माइक क्यों कहते हैं, इसे मेज क्यों कहा गया, इसे कुर्सी क्यों कहा गया, ये सारे असबाब बताते हैं इल्मुल अस्मा के माहिरी। जब सवाल उनके आगे आया कि फातिमा के नाम का मतलब है जहन्नम की आग से छुड़ाने वाले, अल्लाह ने इसमें 5 हरूफ रखे। पहला हर्फ फे, दूसरा अलिफ, तीसरा तो है जिसे बच्चे उर्दू में पढ़ते, चौथा मीम, पांचवा हे वो हाथी वाला। तो जो है कि नहीं, ये 5 हर्फ, बाकी सबको माशाल्लाह बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, उल्मा सुनने वाले, ये बच्चे जो, ये मेरा मजमा, ये शियत का आने वाला था, मजलिस में इनके लिए पढ़ता हूँ, आप सिर्फ बोल के तस्दीक कर दीजिए। अब इन 5 हरूफ का मतलब क्या? तो सरकार माशाल्लाह जेलम की शख्सियत तशरीफ फरमाए। 5 हरूफ का इल्मुल अस्मा के माहरीन ने बताया, अल्लाह ने इन 5 नाम फातिमा में 5 रहमतों के खजाने छुपा रखे। थोड़ी तैयारी करनी है तो मैं पढ़ना सरकार। तो जो है कि नहीं आप? देखिए, आपको जाकिर भी आपने सुन लिए, शायर भी आपने सुन लिए, और सुरीले लोग भी सुन लिया, बेसुरे की बात, ठीक है ना जी। मौलवी औखा पछता है बंदे, इन्हें होरे की करना है, तो जो मैं करना ना वो किसे नहीं करना। हाँ, मैं मेंबर पे खड़ा हूं, आले मोहम्मद का दान। तो जो है कि नहीं? अच्छा, बीबी के नाम का पहला हर्फ फे क्यों, अलिफ क्यों, तो क्यों, मीम क्यों, हे क्यों? उल्मा फरमाते हैं फे है फासले का। जनाबे सैयदा के नाम का फे है फासला। कैसा फासला? फरमाया एक तरफ है तौहीद, एक तरफ 18,000 आलमीन। तौहीद और 18,000 आलमीन के दरमियानी फासले को फातिमा कहते हैं। कोई बंदा जिसे बात समझ में आती है जो मेरे साथ चलेगा, मैं उसके लिए पढ़ता हूं। तवज्जो नहीं फरमाई आप? अल्लाह और आलमीन के दरमियान जो फासला है उसे फातिमा कहे। देखे बंदा डायरेक्ट वहां तक नहीं जा सकता, अल्लाह का किसको पता, किसी ने देखा ही कोई वहां तक। देखे वो है वाजिबुल वजूद, हम हैं मुमकिनुल वजूद। वो हम तक आए वाजिब, मुमकिन नहीं, हम उस तक चले जाते, ये वाजिब। यानी वो हम तक नहीं आता, हम उस तक नहीं जाते,
वो आ जाए माबूद नहीं रहता, हम चले जाएं आबिद नहीं रहते। वो आ जाए मस्जूद नहीं रहता, हम जाए तो साजिद नहीं रहते। वो आ जाए तो खालिक नहीं रहता, हम चले जाए तो मखलूक नहीं रहते। इसका मतलब है कि दरमियान में कोई ऐसी हस्ती हो जिसका जाहिर मुमकिन जैसा हो, कमाल वाजिब जैसा हो। कोई बैठा है जिसे बात समझ में आ रही है, क्या करूं? कोई बंदा जिसे मुश्किल लगती है उसके लिए गिला कोई नहीं, लेकिन जो इस मयार पे पहुंचा उसके लिए सलाम। तवज्जो है कि नहीं? यानी जिसका एक सिरा रबूबियत से मिलता हो, एक अबूबियत से मिलता हो। मैं लफ्ज़े फातिमा की फे पढ़ रहा हूं। जिसका एक सिरा नूरानियत से मिलता हो, एक बशरियत से मिलता हो। बंदों को ये बात मुश्किल लगी है, दलील कुरान से देता हूं। जिसके घर उधर से खाना आता हो और उसके घर का खाना उधर जाता हो। कोई बैठा है यार जिसे बात समझ में आ रही है, तवज्जो नहीं फरमाई आप? देखे आसमानों से खाना आया है, मरियम के लिए भी आया है, ईसा के लिए भी आया है, हजरत मूसा के लिए भी, इनके लिए खाने आए हैं। इनके घर से उधर खाने नहीं गए, इन्हें खाना भेजता है आसमानों से खुदा। तो अब फराद अदर कादमी को कहने दो इस खामोश मजमे में, जो आसमानों से खाना भेजे उसे खुदा कहते हैं, जो आसमानों में खाना भेजे फातिमा ज़हरा कहते हैं। आले मोहम्मद सलामत रखे इन हाथों को जो हिमायत सैयदा में बुलंद हो गए। अल्लाह यार या अल्लाह सल्ले अला तवज्जो है कि नहीं? आप इनके घर में खाना उधर से आता है और उधर का खाना इनके घर से जाता है। अच्छा, उधर से खाना मंगवाया किसने? जनाबे ईसा ने। सूरह मादा में है, मायदा दस्तरखान को कहते हैं, दस्तरखान वाला सूरह। अच्छा चुप बैठने वालों, मायदा ईसा ने कहा रब्बाना अंजल अलैना मायदा तो मैंने समाए, हमारे लिए आसमानों से दस्तरखान नाजिल कर। अल्लाह ने दस्तरखान नाजिल किया, जानते हो दस्तरखान पे था क्या? कौम के लिए खाना, एक भुना हुआ मुर्गा, एक मछली, नमक, सिरका और पांच रोटियां। चुप कर गए हो? आसमान के दस्तरखान का पांच रोटियों से ताल्लुक पुराना लगता है। जिस बंदे को बात नहीं समझ में आई उसे समझा देता हूं। मूसा ने पांच बंदों के लिए नहीं, पूरी कौम के लिए, चौथे आसमान से खाना आया था, आसमानों से खाना जमीन पर, पांच रोटियां कौम के लिए आई। अब सूरत हर समझ में आया? मुझे तो ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है जब फरिश्तों ने कहा होगा कि या अल्लाह जो आसमानों में पांच रोटियां थी वो तो ईसा की कौम को दे दी, तब अल्लाह ने कहा होगा खैर जाओ बतूल के घर से पांच और ले आओ। कोई बंदा जिसे बात समझ में आ गई, मैं क्या कहूं? तवज्जो है या नहीं? आप हजरत जियो। अब अगर कोई देखें, ये फासला क्यों रखा? फासले को फेक क्यों रखा? अल्लाह और आलमीन के दरमियान, ताकि कोई बीमार अकीदे वाला ये ना समझ जाए मैं नमाज रोजा हज ज़कात अम्ले साले करूंगा तो डायरेक्ट अल्लाह तक चला जाऊंगा। अल्लाह ने बीच में फासला रख के और फासले को फातिमा के साथ रख के बताया हो कि अपने आमाल लेके मुश्तक आने की सोचना भी ना। अल्लाह उसी को मिलेगा जो बतूल की चौखट पे सर झुकाएगा। मुश्किल हो गई ये बात? नहीं, इस वक्त वैसे ये बातें करना मुश्किल है, वो मुश्किल कुछ है। ये है फे, आगे है अलिफ। तुसा जी मैं फे सुने ना, जी मैं ये तुसा अलिफ सुन लिया, बाकी फिर मैं हजरत जिब्रील नु कह देंगे वो आके सुना देंगे। इस तो सौखा तो मेरे को नहीं होता सरदार, हूं डंडे मारिए। मेरी आदत का आपको पता है ना, मैं गालियां देने का आदी, ना बद दुआएं देने का आदी, ना ओए तोए करने का आदी।
मैंने इस बच्चे से लेकर आखिरी बुजुर्ग तक जो सबसे सरसीदा एक नाम से मुखातिब किया, एक रुतबे से आप हुसैन के इज्जतदार मेहमान। मैं उतना पढ़ता हूं जिसको पढ़ने के बाद माफी ना मांगनी। बाकी थोड़ी अपनी मर्जियां ने, तुसी भावे गाल आला बुला लो, तवज्जो है कि नहीं? आप आगे है अलिफ, बीबी के नाम का फे अलिफ, अलिफ से इसरार, इसरार है शेर की जमा, सार नहीं शेर, शेर कहते हैं राज। अलिफ है इसरार का, राणा साहब अलिफ जब साहब शाह साहब अलिफ है इसरार का। देखिए कुछ राज है तौहीद के मन में, कुछ राज है मोहम्मद के मन में, कुछ राज अली के मन में, कुछ राज सैयदा के मन में, कुछ राज हसन के मन में, कुछ राज हुसैन के मन में। अच्छा चुप करने वालों बात मैं जरा और आसान कर दूं, ये तन पांच है मन छे है। जड़े बंदे नूं गल समझ आई? अच्छा चलो इससे भी आसान करता हूं, वो ये पांच तन हैं जिनमें वो अकेला मन रहता है और वो एक मन है जिसमें ये पांच तन रहते हैं। जो बंदा परेशान है उसके लिए पढ़ते नहीं, नहीं इधर वालों को दलील चाहिए होगी। हाँ तो आप देखें नबी के मोहम्मद मुस्तफा के मन को खंगाले अल्लाह मिलेगा, अली के मन को खंगाले अल्लाह मिलेगा, सैयदा के मन को खंगाले अल्लाह मिलेगा, हसन हुसैन के मन खंगाले तो अल्लाह मिलेगा। और अल्लाह का मन खंगालो कभी मोहम्मद मिलेगा, कभी अली मिलेगा, कभी फातिमा। शाबाश शाबाश, यही हक सुनने का, इस वक्त ये हक बनता सुनने का। तवज्जो है कि नहीं आप? अच्छा ये तो ही मोहम्मद वाले मोहम्मद का जाहिर बशरियत, बातिन तौहीद। ये अल्लाह के राजों को छुपाने वाले, फातिमा का इस्म है अल्लाह के राजों को, अलिफ है इसरार का, अल्लाह के राजों को छुपाने वाले। अब बंदे परेशान हैं अल्लाह का कौन सा राज छुपाया है? मोहम्मद अल्लाह का राज नहीं, अली अल्लाह का राज नहीं, हसन अल्लाह का राज नहीं, हुसैन अल्लाह का राज नहीं। इन राजों को चादर के नीचे छुपाने वाली को फातिमा कहते हैं। जो बंदा हिजाबुल्लाह का मतलब नहीं समझता, सबसे बड़ा राज ही कुदरत का खुद अल्लाह है। जो अल्लाह को अपनी चादर में छुपाए उसे फातिमा कहते हैं। आले मोहम्मद सलामत रखे उस बंदे को जो समझ के बोले। अल्लाह मोहम्मद इनवाल मोहम्मद, तवज्जो नहीं फरमाई आप? देखे पांच राज छुपाने वाले, और राज छुपाए भी कैसे, कहां छुपाए? छुपाए भी अपने घर में, अपनी चादर में। सबसे पहले राज ने आके कहा मैं बदन में जोफ महसूस कर रहा हूं, यमनी चादर उड़ा दो। बीबी तेरे मोमिन थके नहीं आ, यमनी चादर, यमनी चादर उड़ा दी। अब घर में है, देखें ये रुतबे के लिहाज से कायनात से बड़ा था, रकबे के लिहाज से छोटा। ऐसा नहीं है कि नबी किसी हुजरे में थे, नबी वही घर में थे चादर के नीचे। सबसे पहले दूसरे राज ने आके कहा नाना की खुशबू आ रही है। जो बंदा जाग रहा है मेरे साथ, अच्छा देखिए खुशबू अगर हसन बादशाह को आ रही थी तो खुशबू के साथ साथ चलते और नाना तक पहुंच जाते। क्या हसन बादशाह को नहीं पता? जब ये पता है कि नाना की खुशबू है तो घर में ये भी पता है ना क्या कहां से रही। लेकिन छुपाने वाली से पूछा खुशबू आ रही है, जागो यार मेरे साथ। बीबी ने कहा वो चादर के नीचे है। अब हसन बादशाह ने जाके क्या कहा, नाना इजाजत है चादर में आ जाओ? कहा आ जाओ। दूसरा राज आया अल्लाह का, तेरा मेरा हुसैन बादशाह,
मुझे नाना की खुशबू आ रही। बीबी ने कहा वो चादर के नीचे। अब हुसैन बादशाह ने भी आके कहा नाना इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं। कहा तुम भी चादर के नीचे आ जाओ, जो बंदे परेशान है तुम्हें हुसैन के मिजाज का पता कोई नहीं है कि वो आके इजाजत मोहम्मद मुस्तफा से अपने घर में चादर के बाहर खड़ा होके मांग रहा है। जो अल्लाह की मस्जिद में चला जाए मोहम्मद मुस्तफा सजदे में होते हैं, अल्लाह जाने कितने सजदों को सरों में दे के हुसैन ऊपर से गुजरता गया, अपनी मर्जी से जाके नाना की पोस्ट में बैठ गया। अल्लाह से नहीं पूछा मैं बैठ जाऊं, मोहम्मद से नहीं पूछा मैं बैठ जाऊं। मैंने कहा मेरा बादशाह हुसैन ये जो पीछे चुप बैठे इन्हें कैसे समझाऊं कि आपने अल्लाह के घर में जाकर नबी से ना अल्लाह से इजाजत नहीं मांगी, यहां पे खड़े होके चादर के बाहर खड़े होके अपने घर में कह रहे हैं कि नाना इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं। अजब नहीं तेरे मेरे हुसैन बादशाह की आवाज आए। जमाने को यही समझाना चाहता हूं, अल्लाह की मस्जिद और है, बतूल की चादर और है। कोई बैठा है मेरे साथ जिसे बात समझ में आई? आले मोहम्मद सलामत रख जियो, सलामत हो आबाद। अल्लाह अल्लाह के राजों को आपकी क्या बात है ना। अजमत सैयदा का आज की रात इससे बड़ा जुमला क्या कहूं। आपके मिजान में तुले तो बोल पड़ना। फिर अली आए, भाई की खुशबू आ रही, वो चादर के नीचे, अली भी चादर में आ गए। पूछने वाले आम नहीं, इमाम है। कोई बैठा यार जिसे बात समझ में आ रही, जितना के पूछा है वो आम नहीं, ख्याल से बादशाह इमाम, और अपने अपने वक्त के इमाम रहे। अली अपने वक्त का, हुसैन हुसैन अपने अपने वक्त के इमाम। तीन इमाम आए और तीन इमामों ने क्या किया, सैयदा उन्होंने कहा अम्मा नाना की खुशबू, अम्मा नाना की खुशबू। अली ने कहा चादर के नीचे, चादर के नीचे। तो अब कहने का हक रखता है ना फराज अदर कादमी, जो तीन तीन इमामों को रिसालत का पता बताए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। कोई बैठा है यार जिनको गल समझ आ रही, मैं की कह रही। जियो सलामत रहो, बिस्मिल्लाह करो, जियो या रसूल अल्लाह। की लोड पे ही तो लोग कन बुलाण दी, मैं नहीं तवज्जो है कि नहीं। आप ओ इमाम हुसैन सलामत रखे, नारे आम नहीं है, ये मिशन है। फिर दोहराता हूँ, आज दोहराना हक बनता है। इस हाले सवाब करना मेरे उस्ताद मोहतरम सरकार इलामा नासिर अब्बास साहब अल्लाह मकाम नंबर नंबर को दोगो फरमाते थे मजलिस हुसैन में आधे बंदे चुप करके नारे तकबीर पे अल्लाह अकबर ऐसा कहते, नारे रिसालत पे या रसूल अल्लाह ऐसा कहते, हैदरी नारे में करंट बुजुर्गों में आ जाता है, उछल उछल के या अली करते। फरमाते थे मजलिस में जाकर नारे तकबीर पे अल्लाह अकबर कहना भी ऐसा चाहिए, नारे रिसालत पे या रसूल अल्लाह कहना भी ऐसा चाहिए, हैदरी नारे पे या अली ऊंचा कहना चाहिए। इसलिए कि अगर हमारा मुकाबला होता अल्लाह के मुनकरों से अल्लाहू अकबर ऊंचा कहते, अगर मुकाबला होता रिसालत के मुनकरों से तो या रसूल अल्लाह ऊंचा कहते। क्या करें, मुकाबला ही अली की विलायत के मुनकरों से है। आप जिसकी रगो बोलो है अली। सलामत हो, आबाद हो, साद रहो। जीवे हैदरी कहा करो, अली उन वलीउल्लाह। लोग गालियां दे के नहीं मनवाया जाता, अली उन वलीउल्लाह मनवाना है तो लोगों को अली उन वलीउल्लाह के फायदे बताओ। चुप कर गए हो, अली उन वलीउल्लाह फायदा क्या है, पहले फायदा बताओ। देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा है, लेकिन ये मुसलमान होने का सबूत नहीं। जेड़े परेशान हो करन लगा, हाँ हाँ देखे अली उन वलीउल्लाह का फायदा बता रहा हूं। अली उन वलीउल्लाह पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह ये मुसलमान होने का सबूत नहीं, ये मुशरिक ना होने का सबूत। जगह मेरे नाल मोहम्मद रसूलुल्लाह ये मुसलमान होने का सबूत नहीं, काफिर ना होने का सबूत है।
आसान कर दूं, बंदे से पूछा जाए आप मुशरिक हैं, वो कहे नहीं, उसे को सबूत दे, वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मानना पड़ेगा कि मुशरिक नहीं। अगर पूछा जाए आप काफिर हैं, वो कहे नहीं, उसे को सबूत दो, वो कहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मानना पड़ेगा कि ये काफिर नहीं, कलमा मोहम्मद का पड़ गया। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए मुनाफिक हो, शाबाश शाबाश, जिस बंदे का बात समझ में आई वो कह जी मैं मोमिन हूँ, उसे का सबूत दे, मोमिन होने का एक ही सबूत है अली और वलीउल्लाह। यार जिसकी रगों में अली है वो मेरे साथ बोले दलील पे। सलामत हो आबाद हो साहब, धीमे धीमे, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, हमने कभी किसी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले को काफिर नहीं कहा, हमारे मिंबर से नहीं कहा गया किसी कलमा गो का काफिर, इसलिए कि हमें मुस्तफा के कलमे पर यकीन और हम जानते हैं काफिर वो नहीं होता जिसे मुल्ला दीवार पर लिखे, काफिर वो होता है जिसे अल्लाह कुरान में लिखे। यार जिसको बात समझ में आ रही तवज्जो है कि नहीं आप हजरात, अली और वलीउल्लाह फायदा फायदा ही फायदा, सबसे बड़ा फायदा बता रहा फराज चैलेंज करके, जाओ जमाना घूम के देखो, अली के शियों को लोगों ने इसके अली में काफिर कहा है, लेकिन आज तक किसी मां ने वो लाल पैदा नहीं किया जो अली के शियों को मुनाफिक कह सके। शियाली का बोले मेरे साथ, इस बंदे को बात समझ में आ रही है, वजह है कि नहीं आप अल्लाह के राजों को छुपाने वाले, और ऐसा छुपाया राजों को, जिब्राइल पूछ रहा था यार बेवमन तख्तल किसा, यानी जिब्राइल जो रोज आता उसे नहीं पता चादर के नीचे मोहम्मद कौन है अली को, बंदे कहते नहीं जिब्राइल को कैसे पता नहीं चला, पता चल जाता तो राज ना रहता, राज ना रहे तो बतूल छुपाने वाली कैसे हो, दरवाजा है बतूल पर यार जो राजों को छुपाए, दो लफ समझ में आ गए जी, बाकी त्रै रह गए, दो ही पढ़ने थके तो नहीं बैठे जी, मैं पांच पूरी पूरा नाम पूरा इस मैंने झुकाया इसमें पढ़ के जाऊ, आगे है ते जिसे तोए बोलते हैं, तोआ तोए, तहारत, ये मैं खुद से नहीं, ये इल्मुल अस्मा के जो माहिरीन है वो बता रहे हैं, फे फासला अलिफ इसरार तोए तहारत का, देखे एक होती है तहरा एक है मुताहरा, मरियम की मां ताहरा है, इन्नल्ला हस्ताफा के व ताहरा के, हमने तुझे तहारत पर चुना। अच्छा देखे मरियम कौन, जो खुद को पाक रखे, ताहरा उसे कहते हैं जो खुद को पाक रखे, दूसरों को पाक रखने की सलाहियत नहीं होती, यार ये सैयदा सुनना है ना फिर इच्छा सुनना, वो मैं भी कुत्ते बिल्लियों को गला करता हूं, एक बंदा जो जहन्नम में चे तो मैं कट के खान ला तेन जहन्नम दे, तू रे उठे मैं वो कहीं मेराज पे पर्दे के पीछे साथ बात कर लूंगा, हां हमारी तो गुफ्तगू उधर होती है, साड़ी वो मेराज नहीं होती, आजा चुप करके ते टोर जा चुप कर। अच्छा मिराज मनाते सारे हम मानते नहीं, एक डी मजदार गाल है, आपने गौर नहीं की भी किया, इनकार नहीं कर सकते,
लेकिन मनाते भी हैं पर मानते नहीं। नहीं नहीं, अच्छा बीच में डाला क्या? रूह डाली। जिस्मानी नहीं हुई, रूहानी हुई। मैंने कहा तुम मेराज मना लेते और नबी का मेराज पे जाना तुम इनकार नहीं कर सकते। मौत तुम्हें उस वक्त पड़ती है जब पर्दे से हाथ बाहर आ जाता है। तो नहीं फरमाई आप उठे मौत पे दिया तो उधर रह गए। जनाबे सैयदा सुनो बात में छटो जा मैं लानत चुपा दे दी ऐ नहीं मैं आया उन्होंने लिफ्ट ना ना वो मैं मेरी ड्यूटी है। लेकिन इस टाइम जिथे मैं आया जो उठे आओ देखे मरियम है बतूल और बगैर शोहर के बतूल। मरियम बगैर शोहर के जो पीछे बैठे हुए जो बगैर शोहर के बतूल हो उसे मरियम कहते हैं। जो शोहर के होते हुए बतूल हो उसे फातिमा जहरा कहते हैं। यार अब इसे आगे क्या जुमला दूंगा मैं? नहीं तवज्जो फरमाए। जिसकी तहारत की गवाही के लिए मुर्शदी एक मिनट जुमला सुन जाए। जिसकी तहारत की गवाही के लिए ईसा जैसे नबी की गवाही की जरूरत पड़े उसे मरियम कहते हैं। जो मोहम्मद से महदी तक सबकी तहारत की जामिन हो उसे फातिमा जहरा कहते हैं। इमाम हुसैन वस्ता रखे तवज्जो है कि नहीं? आप देखें मरियम के पास आया जिब्राइल और आके उसने आके मरियम ने कहा मैं तुझसे पनाह मांगती हूं अल्लाह। यानी जिब्राइल को मरियम ने पहचाना नहीं और जिब्राइल भी कह रहा मैं तेरे रब की तरफ से रसूल बन के आया तेरे रब की तरफ। यानी मरियम के सामने इतनी बात जिब्राइल ने की है और यही नहीं रुका उसने कहा मैं तुझे बेटा देने आया हूं। ये है जिब्राइल और वो सामने खड़ी है मरियम लेकिन वो फातिमा है जिसके दरवाजे पे दस्तक हुई तो अंदर से आवाज नहीं आई कि बाहर कौन है। दस्तक की आवाज के साथ बाहर से आवाज आई यतीम हूं। जिसके दरवाजे पे रसूल बन के आए वो मरियम है जिसके दरवाजे पे यतीम बन के खड़ा रहे। अच्छा चलो एक मसला है वो हल करते हैं। पैसा जी है पेचीदा सारा। यतीम किसे कहते हैं? जिसका बाप मर जाए ना हो मर जाए ये भी है ना जी? क्यों पहले सलाह कर लो। यतीम उसे कहते हैं जैसा प्यो मर जाए। जिब्रील कहते हैं मैं यतीम हूं ये भाई का ना दसो। गुजरा वाले वालों जिब्राइल के अबू का नाम क्या है जो कभी फौत हुए हो कहीं कुरान में पढ़ा हो किसी आलम ने बताया? ये तो है ही अमरी मखलूक। अल्लाह ने आमर किया खल्क हो गए। तो फिर ये क्या कह रहे यतीम? बंदे सारे परेशान रहते पूछने वाला अगर तेरे मेरे लिए बादशाह के दरवाजे पे ना आया होता बाब इल्म के दरवाजे पे आके बंदे ने कहा मौला यतीम कह रहा है। जिब्रील अपने आप को यतीम वो होता है जिसका बाप मर जाए। अब उसका बाप तो है नहीं वो अपने आप को यतीम क्यों कह रहा है? अली देख के फरमाते तुम्हें किसने कहा कि यतीम उसे कहते हैं जिसका बाप मर जाए? मौला फिर यतीम किसे कहते हैं? फरमाए जिसके पास इल्म ना हो। नहीं तो फरमाए अब जिसके पास इल्म ना हो। दूसरा दूसरा फिक्र क्या कहा उसने? मिस्कीन हूं। मिस्कीन किसे कहते हो? जिसकी मां मर जाए। मौला उसकी तो माँ भी कोई नहीं। फरमाया तुम्हें किसने कहा मिस्कीन वो होता है जिसकी माँ मर जाए? मौला यतीम क्या? फरमाया जिसके पास इल्म ना हो मिस्कीन वो जिसके पास अदब ना हो। थोड़ी जो औखी गल एक मिनट में तो देख रहे मौला यतीम मिस्कीन वो कह रहा है। अच्छा इल्म भी नहीं अदब नहीं तो ये इल्म और अदब क्या है? फरमाया इल्म बाप है अदब माँ है। मौला नहीं समझे। अली फरमाते इल्म है खुद को पहचानना अदब है दूसरे को पहचानना। इसका मतलब है कि जिब्राइल किसी ऐसी मंजिल से गुजरा है एक दफा ना खुद को पहचानता था ना दूसरे को पहचानता था। पता है कब? जब अल्लाह ने पूछा तू कौन है मैं कौन हूं कहते तू तू है मैं हूं। अली कलाई पकड़ के कहते अल्लाह के दरबार में तू तू मैं ये भी कोई अदब है?
यार मैं पता नहीं केड़ी मंजिल से आया खड़ा खुदा दी पना मैं जरा जुमला देना तुसा सिर्फ बंदे लगा ये अगर मिंबर से चप जे तुसा सुन लिया ना सारे उधर वेखो तो जरा मेरा कलेजा लगता तो मेहरबानी करो सरकार आ रहे मोमिन उनको आने दे तुसा बैठो ही आके बैठ जा इल्म वो अपने आप को पहचान अदब दूसरे को इसका मतलब जिब्रील कहीं गुजरा है अल्लाह ने कहा मैं कौन मैं तो तू तू है तू कौन मैं हूं अली ने कहा अल्लाह का दरबार है तू तू मैं नहीं चलती सीधी तरह कह तू इज्जत वाला रब है मैं तेरा जलील आब्द हूं अब नस्बी तकाजा शराफत का ये है कि जिब्राइल बताए कि उसे इल्म ये किसने दिया तभी तो अली के दरवाजे पे खुद को यतीम कह के बता रहा है मुझे इल्म देने वाला अली है आले मोहम्मद सलामत रखे पीछे वाले बोलो शर्मा रही है बिस्मिल्लाह करो अंदर अच्छा ये कैमरे को क्या के अली हाक के तो पीछे कोई नहीं हौली हौली ना ना बंदे तो बाहू को हाक कहते भी नहीं शर्माते तुस आली नु हक कहंदे छकदे हो जी हक बहु तो नहीं बंदे हक बहु जी हां उससे पूछ तो सही बहु हक बना कैसे उसका नारा भी ये था हक बहु नु जान दो ओ अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले हु फजल करे ते बख्शे जावण मैं वरगे मुंह काले हु ये आजजी का बड़ा शेर है बड़ी कोठी बाग दे बाहर लिखा देंदे ने बल्ला तो डरते हैं जी ये मौला दा करम है जी ओदा ही करम है तो फिर ओदा करम है तो करम वाले के दो मिसरे अगले भी पढ़ना हम पढ़े तो पर्चा कटवा देता है हक बहु कहता है अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले हु फजल करे ते बख्शे जामण मैं वर के मुंह काले हु हक बहु कहते जन्नत वेसन ऐश करेसन इल्ल मवद्दत वाले हु पेन होब हैदर ना जन्नत मिलसी क्या सारे क्या साले अब जिसकी रगों में अली बोले हैदरी जियो बसो इमाम से मस्तर इमाम हुसैन सलामत रखे ले भाई ने सिराए की शेर पढ़े हैं छेक मिसरे मिन्नू में होंगे ते बाबा ही आ गए डाटे करके जबान ती थे आए खड़े नहीं नहीं ये अलीयन वलीउल्लाह परचा कटा जो ये बंद करो अजान मैं दहशत कर दी हो मैं कहा आज दा मसला नहीं तुसी अदालत जाना उन्होंने कहा हम अदालत जाएंगे मैं कहा जाओ तुहाडे वड्डे रसूल दी अदालत च गए या रसूलुल्लाह बिलाल से कहे अजान ना दे एक सराय की शायर है उसने कहा बिलाल से रंग का मसला नहीं जात का मसला नहीं नस्ल का मसला नहीं लुकनत का मसला नहीं तो मसला क्या था सराय की शायर कहते भावे पाबंदी है भावे पाबंदी है हक दा पैगाम लोग लुका नहीं सके जड़ा हफशी है लुकनत जबान में भी हस उमवजन कुसावरे हटा नहीं सके मुंह दी लुकनत बहाना ही इतराज तो दिल का दूरत दी कावे लुका नहीं सके दरअसल उंदी मांग च वलीउल्लाह लुका नहीं सकाए पहचान नहीं सके जियो सलामत रहो आबाद और शाद रहो जियो सलामत रहो इस बंदे को बात समझ में आई कोई नहीं आ जाएगी तो फिर उधर बैठ ठीक है नहीं अगे टुरा छेती छेती कर बला अच्छा अच्छा ये जिम्मेदार तू है
तहारत, ताहरा वो जो खुद को पाक रखे। अच्छा, बीबी मरियम ताहरा है लेकिन इसकी तहारत की कसम अल्लाह नहीं खाता, चुना है इसे लेकिन इसे पाक रखने की कसमें अल्लाह ने नहीं की, वादे अल्लाह ने नहीं किए। जिसे पाक रखने का वादा अल्लाह करे उसे फातिमा कहे। युताहरा कुम ततहीरा। अच्छा, ये ताहरा में और मालिका ने ततहीर में फर्क क्या है? थोड़ा जे हूं फेर जा गया जे मेरा गल जिब्रील अली फेर आंदी है उस मेयार दी बात वो नहीं। एक होती है ताहरा किबला जी जो खुद को पाक रखे, युताहरा कुम ततहीरा जो दूसरों को पाक रखने की सलाहियत रखती हो। अब नहीं हूं सारे आओ बिस्मिल्लाह दरूद की छाओ में मेरे भाई को मेंबर तक ले। दो चार पांच मिनट में सिर्फ आप ही दो जिन्हें देर में पिछला साल बढ़ना ठीक है। चलिए बह जाओ सारे हो आ जाओ मेरे बाद उसने पढ़ना इन्ना रौला सा फराज हैदर पढ़िया सी तो इमरान हैदर आ रहा है ठीक है ना। मैं फराज हैदर का आदमी हूं वो इमरान हैदर का तो विरास दो मई हूँ दुआ कट्ठा इमरान तो ना हो सकता एक दा फराज है एक दा इमरान लेकिन पढ़ेगा मेरे बाद तो उन्हें बिल्कुल नहीं किसी ने कुछ सुनाना जिन्हें मैनू ना सुनना मैं उन्हें डायरियां ला जाएगी आप जी बस मैं जनाब सैयदा के इसम पढ़ू तीसरा पढ़ो आगे दो है वो एक एक सत्र में पढ़ के तो मैं जाऊं आप ठीक है जी। ताहरा वो जो दूसरों को पाक खुद को पाक रखे, मुताहरा जो दूसरों को पाक रखने की सलाहियत रखती है। मालिक ने तस्वीर। अच्छा, एक लम्हे के लिए मेरे साथ करबला चल रहा है सुनो चौखा उदास होते खड़ा कर दे मेरा बच्चा जैकेट आला मूंजाई बती है मेरे लिए देखे ना। अच्छा ना ना मैं जिस जुमले पे हूं वो अगर जाया हो गया तो फायदा कोई नहीं नतीजा मिल गया तो मेरी मेहनत। इमरान भाई करबला का एक वाक्य है 10 मुहर्रम को पानी बंद था ऐसे ही है यजीद ने पानी बंद क्यों किया कि डर के बायत करेगा हुसैन जानता हुसैन को यजीद भी है के साकी एक कौशर है जरे इंज ना करो मेरी घंटे दी मेहनत रखी थी उसे भी पता है ऐसे तो नहीं सारी दुनिया छोड़ के हुसैन की बैत के पीछे लगा हुआ था उसे पता हुसैन की बैत में ताकत क्या है पानी बंद क्यों किया। देखो उसका एक नारा था शाम के बाजारों में लोग पूछते थे कौन है कदम बागी क्यों मारा खान नमाज नहीं पढ़ते ठीक है जी। 5 को पानी किया उसने बंद युताहरा कुम ततहीरा जो दूसरों पाक रखने की सलाहियत रखती हो जो उसका बेटा है करबला में खड़ा है उसने पानी बंद साथ को अब उनका इरादा यह था कि ना पानी होगा ना तहारत होगी ना नमाज होगी हमारा दावा सच्चा कि हमने बेनिमाजी मारे जागो तो हुसैन दवास्ता ये तवज्जो है कि नहीं आप हजरात देखो उसका दावा सच्चा हो जाएगा ना। हर जीरो को सुबह पानी के लिए तहारत के लिए थोड़े पानी की जरूरत पड़ती है आप परेशान हुसैन को तो वुजू और तहारत की जरूरत नहीं लेकिन हबीब तो हुसैन नहीं शाहपाज जौन तो हुसैन नहीं जोहेर तो हुसैन नहीं कैन तो हुसैन नहीं। अब पानी अगर ना हो तहारत ना हो और वुजू ना हो तो नमाज ना हो तो उसका दावा सच्चा के बागी है नमाज नहीं पढ़ी हमने मार दिए 7 को पानी खत्म हो गया 8 की सुबह युताहरा कुम ततहीरा के बेटे ने आंख उठाई 72 मासूम कर दिए। थोड़े बंदे समझे ने मेरी गाल में की आखी है जिस बंदे को बात समझ जाना जो दूसरों को अपनी सलाहियत रखती हो जनाबे सैयदा बंदे कहते नहीं बैस चढ़ती है जनाबे फिज्जा सलामुल्लाह
कि ये कहां से आई। लो बंदे कहते हबश है, अच्छा चलो जी हबश है। बेटे थे चार, चलो जी थे चार। शोहर था जी था, शाही थी। जूती रखी, रख के आ गई, आ गई। बंदे कहते जी ये जनाब सैयद आप इन्हें अलैहि सलाम क्यों कहते हैं। मैं तुम्हारी पिछली सारी बातें मानता हूं कि हबश से आई थी, तख्त पे चार बेटे छोड़ के आई थी, शोहर को छोड़ के आई थी। फिर आप ये आम मस्तूर है तो इसे अलैहि सलाम कहते हैं। आम मस्तूर होगी जब तक दरवाजे बतूल से बाहर थी। जैसे ही तहलीले फातिमा पे पैर आया, बतूल ने देख के अलैहि सलाम कर दिया। ना 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 ना, अभी भी अगर किसी को दलील चाहिए, ये जज्बाती जुमला है। अब मिंबर का तकद्दस है, औरत पूरा महीना मुसल्ले पे नहीं आती, कुरान को हाथ नहीं लगा सकती, बशरीय समझना पूरा महीना, यानी उसे कुरान और मुसल्ला और तहारत से दूर रहना पड़ता है। मैं नौकरी करूं उस बंदे की गले में पट्टा डालकर जो किसी किताब में साबित करे, जब से सहारा के पास आई थी किसी एक दिन के लिए भी बतूल का केला छोड़ा हो। ओए ओए, कोई बैठा है यार जिस बंदे को बात समझ में नहीं है मिजाज तो बस। फिर तो कब फिर कब मीम फिर कब है फिर कब। अगर तहारत का तो है बस खत्म, मीम है मोहम्मदियत एक जुमला मोहम्मदियत। और जैसे हुसैन और है हुसैनियत और है। क्या मतलब और है? मोहम्मद मदीने में है, मोहम्मदियत आलमीन में। हुसैन करबला में है, हुसैनियत आलमीन में। अब ये वारिस है मोहम्मदियत की, इसलिए कि कोई मुनादरा ऐसा कोई किसी बंदे के जहन में हो या देखा सुना हो तो अभी बता दे कि मुनादरा हुआ रिसालत पे और बंदा शिया हो गया। जितने बंदे शिया हुए वो जनाबे सैयदा की वजह से। शिया फातिमा करती है, मानते मोहम्मद को है। नहीं तो आगे बस बात खत्म। हे है हलाकत, हलाकत वो ए वाली है हाथी वाली। सैयदा के नाम में हलाकत है, अली के नाम में है कोई नहीं, मोहम्मद के नाम में। दूसरी वाली है ये वाली नहीं, हसन हुसैन के नाम में। ए हाथी वाली नहीं, हलाकत वाली। अल्लाह ने हलाकत वाली है फातिमा के नाम के आखिर पर रख के बता दिया, हलाकत है दुनिया और आखिरत में उसके लिए जिससे ये नाराज है। बस इससे जल्दी नहीं। एक का एक जुमला, सबसे झूठे बंदे के सामने कायनात के सच्चे रसूल की बेटी खड़े होकर कहती रही, मुझे अल्लाह की कसम मैंने झूठ कभी नहीं बोला। हाय करना यार आज की रात, आज की रात तेरा हाय करना वाजिब। मसाहिब भाई ने पढ़नी है, मैं फकत एक जुमला पढ़ता हूं। आज की रात तेरा हाय करना वाजिब। 18 साल की सन, कितनी जितनी करबला में अली अकबर की, हुसैन के बेटे की जितनी उम्र थी ना मदीने में मोहम्मद की बेटी। मैं मेरा भाई है इमरान कादरी, मैं मिंबर से भी अगर कोई जुमला इन्हें दे दूं कि ये पढ़ा करें, मुझे यकीन है ये पढ़े। जब भी मेरा भाई जो भी जाकर पढ़े, हैदर भाई पढ़े, सैयदा के मसाइब पढ़ो तो सैयदा कह के नहीं, मिंबर पे हर जुमले के साथ कहो मोहम्मद की बेटी, मोहम्मद की बेटी। इतनी दफा कहो, कोई तो पूछे बेटी मोहम्मद की तो फिर मारा क्यों था। उन लोगों के जहन में सवाल तो आए जो मदीने की तारीफें करते हैं, सड़कें बड़ी अच्छी हैं, गलियां बड़ी अच्छी हैं, होटल बड़े अच्छे। कभी किसी ने आके सऊदीया से ये कहा यार मोहम्मद की बेटी का कसूर क्या है? आबाद है सारा मदीना, वीरान है कब्र ज़हरा की। बंदा जाहिर था मदीने से जन्नतुल बकी, ईरानी ज़ाकिर था। पहले रोजा रसूल को देखा, बनी हाशिम के मोहल्ले में खड़े होकर फिर कब्र बतूल को देखा, फिर रोजा रसूल को देखा, फिर कब्र बतूल को देखे, रोजा रसूल को देखे, कहता या रसूल अल्लाह आपका एक बेटा रजा हमारा मेहमान बना था, आ देख हमने रजा का रोजा कैसे बनाया। रो के कहते क्या होता तेरी जहरा ईरान आ जाता।
हम बेटियों का जेवर बेच फैजन फिर वो ही ईरानी जाकर वापिस ईरान गया। मदीना जहन में था, सामने रोजा आया बादशाह रजा का, उसे देखता रहा, ज़ियारतनामा खोल के पढ़ा, ऊपर लिखा था सलाम अलैक या गरीब अल गुरबा। ज़ियारत बंद करके कहते रजा बादशाह गरीब देखने हो तो मदीने जाके देखो, जिनकी कब्रों पे चिराग जलाने वाला कोई नहीं। बस खत्म बात। 18 साल की उम्र, कमर झुकी, सर सफेद, लोग कहते जी सगी बेटी ने नहीं पहचाना, जुमला गलत है, आलिया और मां को ना पहचान, आलम है गारे मौलमा, ऐसे नहीं, अलबत्ता ये है कि मां की हालत देख। जानते हैं मैं जमानत से कह रहा हूं जी, जिम्मेदारी से, कोई दूसरे शहर नहीं चल के गई, दूसरे मोहल्ले चल के नहीं गई, इमरान भाई घर से निकल के दरबार के दरवाजे तक पर्दे के पीछे लगा 25 कदम चल के गई, सिर्फ 25 कदम। जब घर से निकली बाल स्याह थे, 25 कदम वापस आई तो सफेद। दो सवाल एक बेटी ने किया तड़प के, दूसरा अली ने। बेटी ने कहा अम्मा फदक का इतना गम, बाल सफेद हो गए। कहा फदक का गम नहीं, कहा फिर किस दर्द ने बाल सफेद किए। रो के कहती है शब्बीर की गर्दन पे खंजर देख आई, तेरे हाथों में रस्सियां देख आई। अली तड़प के कहते कमर किसने झुकाई है, देख के कहती है या अली जब तक मैं दरबार में खड़ी रही हाकिम मुझे तू करके बुलाता रहा। आदर कमल हुसैन, आदर कमल हुसैन, आदर कमल हुसैन। बस अब फिक्रे पढ़ता हूँ आयतुल्लाह जाफर शोस्त्री की, मसाइब पढ़ेंगे मेरे भाई, मैं वहां से मसाइब से गुजरा हूं जो मेरे भाई को जहमत भी ना हो मसाइब पढ़ते वक्त। आयतुल्लाह जाफर शोस्त्री वो फरमाते सिर्फ कमर नहीं झुकी, सिर्फ बाल नहीं सफेद, जैसे ही घर आई मोहम्मद की बेटी का चेहरा जख्मी था, और जब तक जिंदा रही ऐसे रुखसार मेरे जख्म मेरी औलाद ना देखे, जो समझ गया उसने हाय की है, जिसने हाय की अल्लाह तेरी हाय को पाक ज़हरा के मुकदमे में गवाही के तौर पे शामिल करे। एक दिन तस्बीह पढ़ रही थी, चादर जख्म से हट गई, सामने से हसन आया, हसन को देख के चादर जख्म पे रखने लगी, हाथ रख के कहते मुझसे न छुपाया कर, मेरे सामने तो मारते रहे। बस आखिरी वक्त आ गया, अली कफन के बंद बांधने लगे हैं, आवाज दी आओ माँ का आखिरी दीदार करो, फिर महशर में मुलाकात होगी। आयतुल्लाह जाफर शोस्त्री फरमाते हसन करीब है, माँ के जनाजे से लिपट कर इतनी शिद्दत से हसन रोया है, अली जैसे शेर ने तड़प के कंधे पकड़ के कहा हसन तू बड़ा है, घर में खुद को संभाल। वो देख हुसैन गश कर गया है, वो देख अली की बेटियों के बाल खुल गए हैं। आयतुल्लाह जाफर शोस्त्री फरमाते सीने से लग गया हसन बाप के, फिर ताड़े मार कर माथा चूम के अली कहते किस दर्द ने रुलाया है। रो के कहते पाक बाबा काश आप दरबार में होते, आप देखते 10-12 बदमाशों ने हल्का बनाकर मेरी माँ को ताजियानों से मारना शुरू किया। कोई ताजियाने मारता था, कोई तुर्रे मारता था, कोई तमाचे मारता था, कभी फिजा रोकती थी, कभी सलमान कहता था ना मारो, मोहम्मद ने बड़े नाजों से पाली।